हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक सक्सेना और आप सभी लोग देख रहे हो विवेक ज्ञानी चैनल। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं हाउसिंग ऐप के बारे में। जी हां दोस्तों, हाउसिंग ऐप क्या है, कैसे यूज करते हैं और इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं, ऐप रियल है या फेक है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो यदि आप जानना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए खास है। दोस्तों सबसे पहले इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर सर्च कर देते हैं, उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर देते हैं। लगभग 50 MB का एप्लीकेशन है। कुछ ही देर बाद यह एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से ओपन कर देते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो होम सर्च का ऑप्शन आ जाता है और नीचे पोस्ट एवर प्रॉपर्टी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड पे ऑन क्रेडिट का ऑप्शन आ जाता है। तो अब यहाँ पर जैसे आपके पास होम है और आप उसको सेल करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना, पोस्ट एंड प्रॉपर्टी पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप रेंट पे देना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, रेंट या सेल। ओके, और इस तरीके से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर से लॉगिन करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। ओके, आपको कोई दिक्कत आती है तो नंबर दिया गया है, आप नंबर पर संपर्क कर सकते हो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और यदि दोस्तों आपको रूम बाई करना है या रूम रेंट पर लेना है तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन है। ओके, अब चलिए इस तरीके से आप यहाँ पे ये ओनर वाला अकाउंट बना लीजिएगा। अब आपको होम सर्च का ऑप्शन आ जाता है बाय एंड रेंट, तो रेंट पे लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भरना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपको ओटीपी मिल जाएगा, ओटीपी भर दीजिएगा। उसके बाद आपको डिटेल्स मांगता है, नेम, ईमेल एड्रेस, ये सभी चीज़ें मांगता है, तो आप इसको भर देना। एंड यहाँ पर आपको रेंट पर रूम चाहिए या घर चाहिए तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, बाई करना है तो बाई वाला सेलेक्ट करना। ओके, तो अब यहाँ पे कमर्शियल चाहिए तो कमर्शियल भी सेलेक्ट कर सकते हो। कमर्शियल मतलब ये है कि आप रूम लेके किराए पे चलाओ। ओके, अब हम रेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे लोकेशन पूछता है और डिटेल पूछता है कि आपको किस लोकेशन पे चाहिए, मतलब रेंट पे रूम चाहिए, और उसका डिटेल यहाँ पर भरो। ओके, और किस टाइप का रूम चाहिए उसका भी डिटेल यहाँ पर भरो। तो मुझे, मैं अयोध्या में रहता हूँ तो अयोध्या देवकाली यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मुझे देवकाली पे रूम चाहिए, तो कुछ इस तरीके से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे कि देख सकते हो देवकाली इन अयोध्या आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके से अप्लाई फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे रेंट का ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों आपको रेंट पे चाहिए तो रेंट सेलेक्ट कर लीजिए, और आपका जो रूम होना चाहिए 1 BHK होना चाहिए या 2 BHK होना चाहिए, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हो कि कितने में आपको रूम रेंट पर चाहिए। आप प्राइस भी इस तरीके से देख सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, 20,000 तक चाहिए। और जैसे कि हमने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया और आप ओनर से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लेना। एंड व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो इतने रूम मुझे यहाँ पे खाली मिल रहे हैं और 12,000 रुपये मंथ किराया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर फोटो भी देखने को मिल जाता है अपलोडेड। अब दोस्तों आपको यदि ये रूम पसंद आता है, फ़ोटो में पसंद आता है, लोकेशन पसंद आती है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए। ओके, अब जब आप कांटेक्ट करोगे यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे देख के मैसेज करोगे तो ये आपके पास कांटेक्ट करेंगे, फ़ोन करेंगे, तुरंत फ़ोन आ जाता है, क्योंकि मैंने कभी कांटेक्ट किया तो मुझे फ़ोन आ गया था वीडियो बनाने के पहले। तो अब जब आप कांटेक्ट करोगे तो आपको रूम दिखाया जाएगा और रूम का रेंट सब कुछ क्लियर किया जाएगा, आप कम भी करा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर मोर फिल्टर पर क्लिक करके और फिल्टर अप्लाई भी कर सकते हो कि किस तरीके से आपको रूम चाहिए। सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं दोस्तों, लेकिन पैसा जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया जाता है उसी तरीके से लगता है। बस यदि आप डायरेक्ट बात करते हो मालिक से तो पैसा कम हो जाता है। और आप कांटेक्ट कर लेना ओनर से, उसके बाद पैसे पे करना, पैसे एडवांस में पे मत करना। यहाँ पे बिल्कुल ऐप में बताया गया है कि एडवांस में पैसे पे मत करना, बात करके अच्छे से क्लियर करके ही पे करना, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। तो ऐप वालों की जिम्मेदारी और गारंटी नहीं होगी और हमारी भी नहीं होगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब जैसे काफ़ी लोग ओनर हैं तो जब आप बात करते हो तो पैसे कम कर देते हैं। यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक कर देते हैं, आपको और सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। यदि आप पैसा यहाँ पे भी करना चाहते हो तो ये भी दिखाया गया। ओके, ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वह दिखाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पर और सारी सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे अकाउंट सेटिंग है, इस पर क्लिक करके आप सभी सेटिंग्स को यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर ओनर रहेंगे तो ये मेम्बरशिप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जो डायमंड का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। अब उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है कि यदि ये मेंबरशिप आप लेते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट इस एप्लीकेशन के थ्रू मिलने वाला है, यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, जैसे कि आपको कोई कांटेक्ट करेगा तुरंत मैसेज चला जाएगा, और
यहाँ पे आप उससे डायरेक्ट बात कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बट मैं ये कहता हूँ कि यदि आप ओनर हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आपके पास मैसेज आएगा तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उसके बाद अपना रूम है रेंट पे या सेल कर सकते हो। तो कुछ इसी तरीके से इसका प्रोसेस है दोस्तों। ये एप्लीकेशन काम क्या करता है कि एक माध्यम बनता है घर बेचने वाले, घर सेल करने वाले, घर रेंट पे देने वाले से ख़रीदने वाले को, तो यही काम करता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको डाउट जो था सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।